क्या बात है यार, कितना खूबसूरत व्यू है। अच्छा यहाँ पे जनाब जेट बोटिंग सिस्टम है। लो जी गाइस, हमारा सफ़र शुरू हो गया। हम सबसे पहले आपको लेके जाएंगे, ये जहाँ पे मैं वीडियोस बना रहा था ना, तो कोशिश करेंगे एहतियात से ही चलाएं। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, ये जो आप ट्रैक देख रहे हैं ना, ये है साइकिल ट्रैक। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइकिल चला सकते हैं लोग, ना बाइक चल सकती है यहाँ पे, ना यहाँ पर गाड़ी वगैरह को आने की इजाज़त है। और जो गाड़ियों का ट्रैक है वो ये सामने मेरे राइट साइड पे है। तो अभी मैं यहाँ से जहाँ से निकला हूँ ना, वो इधर से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर थोड़ा जाने के बाद आपको मैं समुंदर के पास ले जाऊँगा। समुंदर का एक बहुत ही प्यारा व्यू आएगा, वो देखेंगे। साथ साथ आपको बार्सिलोना भी दिखाए ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी मतलब रोड्स वगैरह हैं, कितना सन्नाटा सा फील हो रहा होगा, क्योंकि आज संडे है और ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से रश कम है। दूसरी बात ये कि सफाई आप देख रहे हैं कि सफाई अच्छी है, और सड़कें वगैरह भी साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं, और कितनी खामोशी है। सबसे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा जो पाकिस्तान इंडिया से मुझे देख रहे हैं, एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोट की है, अगर आप पाकिस्तान की सड़कों पे, तो बहुत ज़्यादा लोग हॉर्न देते हैं, हॉर्न दे दे के कान खा जाते हैं। यहाँ लोग इस तरह नहीं करते। एक एक मैसेज है मेरी तरफ से कि आप गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, जितना हो सके शोर कम करें। यहाँ आप देख सकते हैं आगे पीछे सिर्फ और सिर्फ रहायशी एरिया है, और बिल्कुल इस रोड के पास ही घर बने हुए हैं, पर आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पे शोर शराबा नहीं है ट्रैफिक का, या कोई हॉर्न बेफजूल नहीं दे रहा, तो डिसिप्लिन से लोग रहते हैं ना यहाँ पे। ये जो है गलत तो नहीं आ रही, क्योंकि ये भी सही आ रही है, ये आने वाला रूट है और ये जाने वाला रूट है। जो मुझे जाना है, मैंने जाना है सीधा, यहाँ से मैं जाऊँगा सीधा। तो गाइस हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है और स्पीड भी मैं ज़्यादा नहीं जा रहा, इस वजह से सिग्नल बंद होने वाला है, तो मैं ज़रा थोड़ी स्पीड मार। तो जी हम निकल गए। बाकी आप देख सकते हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ, ये सारा रूट है समुंदर की तरफ जाने के लिए, ये रूट बनाया गया। अच्छा, इस जगह पे ना काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक बेनिफिट होता है बैटरी वाली साइकिल का कि आपको किसी भी तरह का रूट है ना, चढ़ाई है या कैसी भी, तो आप ये देखें स्पीड में 20-25 की स्पीड में, इसलिए ये देखें काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, तो आप स्कूल से चढ़ सकते हैं ऊपर। अभी मैं ये चढ़ाई तकरीबन 31 की स्पीड पे चढ़ रहा हूँ बिना किसी जोर लगाए। और ये मैं आ गया हूँ बिल्कुल समुंदर के पास। सामने आप मेरे देख सकते हैं कि समुंदर का साहिल शुरू हो चुका है, और अभी हम जाते हैं बिल्कुल साहिल के करीब। अगर मैं यहाँ पैदल आऊँ ना, तो गाइस कम से कम मुझे 15-20 से 25 मिनट लगते हैं, और साइकिल पे ये 3 से 4 मिनट का ही रास्ता है। थोड़ी सी यहाँ पे बीच पे काफ़ी लोग जा रहे हैं नहाने के लिए, और अभी जो टाइम हो चुका है वो हो गया है 5:20। ये जो बसें आप देख रहे हैं, ये लोग यहाँ जो ट्रिप पे आए होते हैं बसों में, काफ़ी काफ़ी बड़े ग्रुप में,
तो ये उन लोगों की बसें हैं जनाब, और ये आ गया है साहले समुंदर। मैं साहले समुंदर के साथ साथ ही एक वीडियो बनाऊंगा और साथ साथ चलता रहूंगा ताकि आप ये देखें सामने बिल्कुल समुंदर आ गया है और लोग इंजॉय कर रहे हैं। Yes, DJ. अभी तक तो बहुत अच्छी वीडियोस बन गई हैं और अभी मैं आगे और जाऊंगा, वहां पे भी थोड़ा सा एक व्यू लेंगे, सारा बार्सिलोना जो सिटी है उसको किनारे के साथ साथ देखते जाएंगे और फिर वहां से वापस आ जाएंगे। अभी साहिल पे आप देख सकते हैं काफ़ी रश है और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, टूरिस्ट वगैरह। तो अभी हम चलते हैं, ऐसा ये सामने जितना भी आप एरिया देखें होटल वगैरह हैं, तो इसके बिल्कुल साथ साथ ही मैं चलूँगा। जैसे ये सारे लोग साइकिल के साथ ही साइकिल पे ही व्लॉगिंग करते हैं, अपना व्यू करते हैं, साथ साथ बार्सिलोना को देखते हैं, तो मैं भी उन्हीं के साथ जाऊँगा। तो गाइस दोबारा से सफ़र शुरू करते हैं और साहिल समुंदर की तरफ आपको मैं ले आया हूँ और इधर से चलते हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रैक पर आते हैं और स्लोली स्लोली सारा व्यू लेते हैं, यहाँ से चलते हैं नीचे। भाई साहिल समुंदर पे बहुत ज़्यादा रश इस वजह से भी होता है कि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा टूरिस्ट को और यहाँ के लोगों को पसंद होता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। ये जो आप देख रहे हैं सामने पुलिस वाला है और ये इसके साथ उसकी गाड़ी है, ये सिर्फ साहिल समुंदर पर ही निगरानी करता है। अभी देखें कैसे देख रहा है। ऊपर भी आप देखें लोग बैठे हैं और अपने अपने व्यू ले रहे हैं और नीचे लोग कुछ गेम्स खेल रहे हैं, कुछ नहा रहे हैं, कुछ मज़े में हैं। मतलब तो साइकिल का ये होता है कि साइकिल अगर आपके पास है ना, तो आप कहीं भी भाई यहाँ पे आराम से किसी भी जगह जाकर, इवन साइकिल ट्रैक ना भी हो, आप यहाँ पे जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ साहिल के पास, कहीं भी जाके आप साइकिल चला सकते हैं, कहीं भी आप रुक सकते हैं, सड़क पे आप जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल आज़ादी होती है। अगर आप एज अ टूरिस्ट यहाँ आए तो आपको एक साइकिल रेंट पे लेनी चाहिए, उससे ये होगा कि आप जब साइकिल रेंट पे लेंगे तो ये जो आप पैदल चलने वाला ये, क्योंकि साहिल समुंदर भी अगर आपने देखना है तो ये भी 5 से 6 किलोमीटर तो लंबा है। अगर आपने ये साइकिल होगी आपके पास तो आप इजीली मैं कहता हूँ कि अपना जो विजिट है वो कर लेंगे। तो साइकिल यहाँ रेंट पे एक दिन के लिए भी मिल जाती है, अगर आप लेना चाहें तो मे बी उसका जो रेंट होता है वो 20-25 यूरो पर डे का होता है, तो इतनी महंगी नहीं होती। पर जो साइकिल पे आपको व्यू मिलता है ना, और जो साइकिल पे आप बार्सिलोना को विज़िट कर लेते हैं, इसके लिए लाइसेंस तो चाहिए नहीं ना, बिना लाइसेंस के आपने बस घूमना है और पूरा बार्सिलोना देख सकते हैं आप इस तरह। खैर बार्सिलोना भी इतना हमारा छोटा नहीं है, तो आप एक दिन में नहीं तो 2 दिन में तो ज़रूर देख लेंगे। अब साहिल से थोड़ा सा बाहर निकला हूँ और अब मैं अच्छा आज जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ के, बहुत ज़्यादा समुंदर गुस्से में लग रहा है आज। लहरें जो है ना नॉर्मली बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, लहरों में आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरा थोड़ा सा गुस्से में है, क्या कर रहा है, लहरें बहुत तेज़ हैं तो लोगों को एक ये देख रहे बिल्कुल सामने ये जो कैबिन सा बना हुआ है, ये सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं जो यहाँ पे निगरानी करते हैं, कुछ हफाजत करते हैं लोगों की, कुछ डूब रहा हो तो उसको बचाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता है इस वजह से भी।
समुंदर। अब चलते हैं आगे की तरफ। बाकी एक मिनट, ये देखें ये कौन सी साइकिल है भाई, ये पातिनेट है यहाँ पे कहते हैं इसको, पर इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कूटर, हाँ स्कूटर इसको कहते हैं जनाब। ये भी यहाँ सस्ती नहीं है, ये भी पाकिस्तानी रुपयों में 50 से 60 हज़ार रुपये में अच्छी मिलती है, पर मैं इसको बहुत ज़्यादा रिस्की समझता हूँ। ये पातिनेट है, ये जो स्कूटर होती है, ये बंदा इसे गिरा तो बस फिर कुछ ना कुछ तो अपना तरवा लेता, इसलिए मैं इसको इतना पसंद नहीं करता। हाँ तो बातें हो रही थी कि स्पेन में, स्पेन यार, स्पेन एक पेन है, शुरू में यहाँ पेन है बाद में सुख है, शुरू में पेन है बाद में सुख है, क्योंकि भाई पेन तो है भाई, सही बात है, जो बंदा नया आता है उसके लिए यहाँ पेन ही पेन है। आस्ता आस्ता अल्लाह ने चाहा तो वक़्त बेहतर होता रहता है, पर टाइम के साथ साथ। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा भाई, किसी का अच्छा वक़्त देखो या किसी के साथ कोई चीज़ देखो ना यार, खुद को मतलब डीमोटिवेट ना करो, बल्कि देख के ये ना सोचो कि यार मेरे पास नहीं है। हर चीज़ का ना टाइम होता है, हर चीज़ टाइम से मिलती है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। यूरोप में बहुत से लोग आ कहते हैं मैं यहाँ छा जाऊँगा, अल्लाह करे आप छाएँ, पर जल्दबाजी में नहीं, कोई फ्रॉड ना करें, टाइम लगता है, स्लोली स्लोली आज आपके पास, पर प्लान के साथ, अगर आपने अच्छा प्लान बनाया हुआ है तो उसके पे आप मेहनत कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, पर धोखा फ्रॉड के साथ ना चलें। साहिले समुंदर को करते हैं बाय बाय और अब चलते हैं ज़रा रोड ट्रिप करने। रोड ट्रिप करने के लिए आपको सड़क पे जाना पड़ेगा और मैं सड़क पे जाने से अवॉइड ही करता हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू मिलता है। अगर मैं आपको एक और जगह लेके चलूँ तो वहाँ से आपको अच्छे लगने पहाड़ भी सही से नज़र आएंगे और मैं भी ज़रा नेचर के करीब होने वाला बंदा हूँ तो मैं भी ज़रा गौर से देख लूँगा। जॉगिंग कर रहे हैं बुज़ुर्ग आदमी है, सही बात है भाई, यहाँ पे लोगों की जो उम्रें हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वो रास्ता है जहाँ पे ज़रा हट के है, ज़रा शहर से साइड पे खुला इलाका, अब यहाँ जाएंगे। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना बिल्कुल सामने, यहाँ पे हमने, हमारे यहाँ अगर कोई जैसे बकरा ईद है या छोटी ईद आती है ईद उल फितर, तो यहाँ पे सारे इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं, तो काफ़ी यहाँ पे रश लग जाता है। बाकी आप मेरे सामने बिल्कुल सामने देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू है, पहाड़ है, पहाड़ों पर घर बने हुए हैं और मैं ओवर स्पीड में, ओ ओ, ओ। गाइस देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पे अपने अपने लोगों ने किश्तियाँ पार्किंग में लगाई हुई हैं, इधर से ही वो निकल जाते हैं समुंदर की तरफ और ये यहाँ पे आप देखें सारा पहाड़ी इलाका है। चलें थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ आगे जा के देखते हैं आगे, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब किश्तियाँ वगैरह है, पार्किंग में लगी हुई है जनाब। अच्छा मेरे से पहले एक दो साइकिल वाले लोग यहाँ पे आए हुए हैं व्यू लेने के लिए, क्या बात है यार, कितना खूबसूरत व्यू है।
अच्छा यहाँ पे जनाब जेट बोटिंग सिस्टम है, देखा है ना सामने। एक मिनट कैमरा उतार लेते हैं, ये देखें अब मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आपको बता रहा था कि जेट बोटिंग वाला सिस्टम है, यहाँ से आई थिंक आपको रेंट पे लेनी है और फिर यहाँ से समुंदर की तरफ। हाँ जी, और ये व्यू है पहाड़, सामने समुंदर, पुरसकून माहौल। मैं तो कहता हूँ यहाँ ही कुछ देर बैठ जाए और बंदा सुकून से बैठ के आराम से बैठ के ना मज़े से भाई साहब इंजॉय करे। तो अब ऐसा करते हैं यहाँ से चलते हैं वापस और अब चलते हैं घर की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो मैंने बनाई है अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।